हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई कंपनी। मैं हूँ गीता। दोस्तों, मैकडोनल्ड में जाना, पिज्जा बर्गर खाना एक ट्रेंड सा बन चुका है। वैसे इन जगहों के बर्गर्स में सबसे सस्ता बर्गर आलू टिक्की बर्गर को माना जाता है। तो कैसा रहे अगर मैकडोनल्ड के इस बर्गर का स्वाद आपको घर में बने बर्गर्स में चखने को मिल जाए, तो है ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो चलिए घर पे बनाते हैं मैक आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप कटा हुआ हरा धनिया, 12 से 15 पुदीना के पत्ते, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच काला नमक, 8 से 10 लहसुन की कलियां और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। इन सबको मिक्सर जार में लेकर थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा ये मसाला बारीक पिस गया है। अब एक बोल में हम लेंगे 5 से 6 बॉइल्ड आलू और इसे इस तरह से बारीक किस लेंगे, एकदम कद्दू कस की तरह। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा पीसा हुआ मसाला। अब लेंगे 1/4 कप हरा मटर, इसे भी बॉइल कर पीस लेंगे और आलू में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1/3 कप भिगोया हुआ पोहा, इसका पानी अच्छे से निकाल कर इसे भी मटर के साथ इसमें मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण में स्वाद अनुसार नमक डालकर सबको अच्छे से मिला ले और थोड़ा मिश्रण लेकर इस तरह से गोला बनाकर बीच में इस तरह से प्रेस कर थोड़ा इसे चपटा करेंगे। देखिए, ऐसे आ गया ना टिक्की का शेप। इसे बनाने के बाद अब एक बोल में लेंगे 3/4 कप रिफाइंड आटा, आधा कप कॉर्नफ्लावर और थोड़ा नमक। अब इसमें पानी ऐड कर इसका थोड़ा गाढ़ा घोल बना लेंगे। अब तैयार टिक्की को इसमें डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड के बारीक चूरे से इसे ऊपर से अच्छे से कवर कर लेंगे इस तरह से। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और सारी टिक्की को धीमी आंच पर तल ले। तलते वक्त आंच धीमी रखना जरूरी है क्योंकि तेज आंच में टिक्की का ऊपर का मसाला जल सकता है। धीमी आंच पर टिक्की को आगे पीछे पलटे और सुनहरा होने तक तलते रहे। टिक्की तो बन गई। अब बनाते हैं इसके साथ खाने के लिए सॉस। तो उसके लिए एक बोल में लेंगे 1/2 कप मेयोनीज और 1/4 कप टोमेटो केचप। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले। ये देखिए, हमारा सॉस भी हो गया है रेडी। अब एक प्याज को आधा काट कर उसके रिंग्स निकाल ले और उसे 1/4 कप विनेगर में अच्छे से डिप कर थोड़ी देर के लिए रख दे। अब हम लेंगे बर्गर बन का एक हिस्सा और उसके ऊपर लगाएंगे तैयार किया हुआ ये सॉस। फिर इसके ऊपर विनेगर में डिप की हुई कुछ प्याज रिंग्स रखेंगे और फिर इस पर रखेंगे टिक्की। टिक्की के ऊपर फिर हम रखेंगे टमाटर के स्लाइसेस और कुछ प्याज के रिंग्स। इसके बाद हम चीज स्लाइस को इस तरह से इस पर रखेंगे। अब बन के दूसरे हिस्से में सॉस लगाकर इस तरह इसके ऊपर रख देंगे। लीजिए, तैयार हो गया हमारा आलू टिक्की बर्गर। तो अगली बार अगर घर के बड़े या बच्चे बर्गर खाने की जिद करे तो पता है ना आपको क्या करना है? अजी, घर पर इसे फटाफट बनाकर उन्हें सर्व करना है, और क्या। वेल, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल रसोई कंपनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली बार एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।